अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो उसके लिए घंटी को दबाइए। तो दोस्तों, इस बार की वीडियो है अमेजिंग फैक्ट्स ऑन ल्हासा एप्सो इन हिंदी। जो ल्हासा एप्सो है वो स्मॉल ब्रीड है, लेकिन हार्डी ब्रीड बोलते हैं, मतलब बहुत काम करने वाली। इनका जो कोट होता है वो बहुत अलग होता है, जब पैदा होते तब नहीं होता। इनका जो कोट होता है वो सर से लेकर टेल तक एक बहुत बड़ा कोट होता है। कोट मतलब बहुत बड़े बाल हो जाते हैं, बहुत घने बाल हो जाते हैं इनका सर से लेकर पैर तक। इनका जो टेम्परमेंट है वो बहुत यूनिक माना गया है डॉग्स में, क्योंकि ये जॉयफुल भी हैं, बहुत मिशीवियस भी हैं, और खेल कूद करने वाले और मिशीवियस, डिग्निफाइड है और अलूफ भी रहते हैं। मतलब सबके साथ मिल के भी रहेंगे और अकेले रहना होगा तो अकेले भी रहेंगे। इंडिपेंडेंट ब्रीड है। और जो ल्हासा एप्सो है, इसका मेन मकसद अपने मास्टर को खुश करना नहीं है। मतलब ये प्लीज़ नहीं करेगा, मतलब जो इसकी मर्जी होगी ये वही करेगा एट अ टाइम, इसे जो अच्छा लगता है वो। ये डॉग शोज़ में बहुत ही पॉपुलर ब्रीड है। जो एजिलिटी के जो मार्क्स हैं इसे पूरे मिलते हैं डॉग शोज़ में। तो अब पर्सनैलिटी की बात करी जाए, स्मार्ट है, कॉन्फिडेंट है, कॉम्प्लेक्स है इसका जो नेचर है वो, किसी ने मतलब बहुत ही यूनिक इसका टेम्परमेंट है ये बोला गया, जैसे बोला कि अलूफ भी रहेगा और सबके साथ भी रहेगा, और फैमिली कॉमेडियन भी होता है, मतलब कि सबको हंसाएगा, अच्छे से रहेगा, बट स्ट्रेंजर्स के साथ अलूफ रहेगा। एनर्जी लेवल थोड़े बहुत एक्टिव होते हैं, फन लविंग है, काम है, और ब्रिस्क वॉक इन्हें बहुत अच्छी लगती है। मतलब ब्रिस्क वॉक, जैसे मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ, इसे छोटी वॉक बोला जाता है। बच्चों के साथ इनका बिहेवियर अच्छा है, लेकिन थोड़े बड़े बच्चों के साथ। दूसरे डॉग्स के साथ इनका बिहेवियर अच्छा है, लेकिन सुपरविजन की ज़रूरत है। शेडिंग इनफ्रीक्वेंट होती है, पता नहीं लगता कब शुरू हो जाए। ग्रूमिंग वीकली चाहिए। ट्रेनिंग इंडिपेंडेंट है, जैसे कहा कि लूप भी रहते हैं सबके साथ, तो इंडिपेंडेंट है, कर लेंगे। मेल की हाइट 10 से 11 इंचेस की है, और फीमेल्स की हाइट स्लाइटली स्मॉलर है उनसे, बस लगा लीजिए 9.8 समथिंग। वेट दोनों मेल फीमेल का 12 से लेकर 18 पाउंड का है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 12 से 15 साल की उम्र तक जीते हैं, जो एवरेज माना गया डॉग्स में। मार्किंग लेवल जब ज़रूरत होती है तभी भौंकते हैं। अब इनकी रैंकिंग पे आ जाए दोस्तों, तो ये एज पर अमेरिकन कैनल क्लब, ये 71st रैंक, मतलब 71 रैंक पे होते हैं, 71 रैंक में होते हैं पॉपुलैरिटी के हिसाब से। और इनकी जो ब्रीड की हिस्ट्री है वो 1935 से रिकॉर्ड होने शुरू हो गई थी। और यही है दोस्तों इनकी ये वीडियो, तो इस वीडियो को आप देखिए। तो दोस्तों, अगर यहाँ तक देख चुके हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा।